कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो हमारा सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है, वी आर इन सीरियस टॉक्स विद देम फॉर ओपनिंग श्रीनगर जिद्दा फ्लाइट। आप 2.5 साल के बाद हज उम्रा एक सिलसिला यहाँ का एक, मैं आप सब लोगों के साथ, आपको सब पता है कि कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है और हमारी कनेक्टिविटी आज तक डायरेक्टली जिद्दा के साथ नहीं है, मक्का और मदीना, एक रिलीजियस सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। तो हम सब लोगों ने सोच के ये कहा कि हम आपके साथ ये शेयर करना चाहेंगे कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इस स्प्रिंग में नई नई अपॉर्चुनिटीज़, देखिए ये एक अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी ही नहीं होगी, ये एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट है पब्लिक की। तो ये जितना जल्द, क्योंकि माह रमज़ान आने वाला है, तो ये कनेक्टिविटी का अनाउंसमेंट होना चाहिए श्रीनगर जिद्दा, श्रीनगर मदीना की। और अगर जो हमारे हज एंड उमरा जम्मू कश्मीर एसोसिएशन ऑफ हज एंड उमरा कंपनीज़ है एफिलेटेड टू कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उनकी ये परसिस्टेंट डिमांड रही कि हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर को हमेशा मद्दू करें और इस कनेक्टिविटी की डिमांड करें। और ये डिमांड हम उनके सामने आज रख रहे हैं, पिछले 1-2 महीने से बातचीत भी चल रही है और किसी मरहले पे बात चली भी है, मगर जब तक इसमें सीरियसनेस नहीं आती, जब तक इसको अनाउंस नहीं किया, तब तक ये सारा मामला उधर का उधर ही है। तो मेरी एक मुद्दवाना अपील होगी ऑनरेबल एलजी से, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से, कि सेंटिमेंट का ख्याल रखें। और ये एक सेंटिमेंट ही नहीं है, बिजनेस एक्टिविटी और हज़ारों के लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। और जब हम इसकी बात करते हैं श्रीनगर जिद्दा की, तो श्रीनगर दुबई की फ़्लाइट जो थी, जो पीछे लॉन्च हो गई थी और विंटर सेशन में वो डिसकंटिन्यू हो गई, जिस भी मामले से वो डिसकंटिन्यू होगी, हम चाहते हैं कि उसको एक एटलीस्ट वंस इन अ वीक स्टार्ट किया जाए।